हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एडियो अपडेट्स। फ्रॉम टुडे हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी। दिस सीरीज विल रन पैरेलल टू द 9th क्लास साइंस एनसीईआरटी। टुडे आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस क्लास 10th एनसीईआरटी की केमिस्ट्री का चैप्टर 1, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे कि एनवायरनमेंट में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उनको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ओके, या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन, ओके, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब कि कोई भी एक केमिकल चेंज हो रहा है तो एक्चुअल में वहां पे हो क्या रहा है, क्या चीज़ रिएक्ट कर रही है आपस में, किस कंडीशन में रिएक्ट कर रही है, कितनी रिएक्ट कर रही है, और वो फिर क्या हमको प्रोडक्ट बनाकर दे रही है। इस सब चीज़ को समझना मतलब कि केमिकल रिएक्शंस को समझना। अब इक्वेशंस क्या है? केमिकल इक्वेशंस मतलब इन्हीं इंटरप्रिटेशंस का रिप्रेजेंटेशन, ओके, कि जो भी हमने समझा है अब उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करें, दूसरे को कैसे समझाएं कि यहाँ पर क्या हुआ था। ओके, तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो किस तरह की होती है, क्या उसके साइंस हैं कि हम उनको एक पर्टिकुलर टाइप की केमिकल रिएक्शन बोल सकेंगे, और फिर जब हमें उसे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम किस तरह से केमिकल इक्वेशंस लिख के केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज व्हाट इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं। ओके, इट सेज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि किसी गैस का या वेपर्स का बाहर निकलना, एंड चेंज इन स्टेट। इसका मतलब स्टेट मतलब कोई भी मैटर की जो स्टेट्स होती हैं, हमने 9th क्लास में देखा हुआ है सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ओके, तो इस तरह से कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना या लिक्विड से गैस में या फिर किसी भी तरह के स्टेट्स का आपस में इंटरचेंज होना। अब यहाँ पर फर्स्ट इमेज को देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि कोई सा यहाँ पर एक केमिकल है उसमें दूसरा केमिकल हम मिला रहे हैं। इन दोनों को मिलाते ही यहाँ क्या हो रहा है, एक येलो कलर का कुछ एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिल रहा है, चेंज इन कलर। ओके, सो जब भी हम कोई दो चीजों को मिलाते हैं या तीन चीजों को मिलाते हैं जिनकी वजह से किसी तरह का कलर चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का इंडिकेशन है कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट इमेज में यहाँ देखिए, इसमें कोल को दिखाया गया है जो कि बर्न हो रहा है। ओके, तो यहाँ जब ये बर्न होगा तो क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। अब कुछ केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर कम भी हो सकता है, कुछ में ज्यादा भी हो सकता है। तो जब भी कोई भी सब्सटेंसेस आपस में मिक्स करके केमिकल रिएक्शन देंगे तो हो सकता है टेम्परेचर बढ़े और हो सकता है टेम्परेचर कम हो। अब ये जो बर्निंग है ये किस तरह की केमिकल रिएक्शन है हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर दो कोई भी केमिकल्स है, लेट्स से ये दिस इज केमिकल वन एंड दिस इज केमिकल टू, या कोई भी सब्सटेंस बोल दो आप इसको, इन दोनों को हमने मिलाया और हमें यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, कुछ बबल्स से फॉर्म होते दिख रहे हैं। इन बबल्स को हम कहते हैं एफरवेसेंस। एफरवेसेंस मतलब कि एयर बबल्स का फॉर्म होना और उनका बहुत ही तेजी से बाहर आना। अब यहाँ क्या हो रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, ठीक है। तो तीन चीजें हमने देखी ली, और हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर चेंज इन स्टेट भी हो रहा है। ओके, हो सकता है कई बार इन कोई दो तरह के केमिकल्स को हम मिलाएं और हमें एक सॉलिड प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों ही चीजें हमें इंडिकेट करती हैं कि कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। दीज आर दी मेन इंडिकेटर्स। जब भी इनमें से कोई भी एक चीज हमें ऑब्जर्व होगी तो वी कैन विदाउट अ डाउट से कि यहाँ पर कोई सी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ केमिकल इक्वेशन। ओके, अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था किसी भी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने के कुछ लॉज होते हैं जिनको हम हमेशा फॉलो करते हैं तभी हमारी एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन हम लिख सकते हैं। ओके, तो लेट्स सी कि फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इट सेज अ केमिकल रिएक्शन चूज
रिएक्टेंट ऑन द राइट एंड प्रोडक्ट ऑन द लेफ्ट। चलिए क्या किया तूने? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ केमिकल इक्वेशन। ओके, तो केमिकल इक्वेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन मतलब हमारी केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन। कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? केमिकल इक्वेशन लिख के। अब केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कुछ लॉज होते हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तभी हम एक परफेक्ट केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। अ केमिकल रिएक्शन शोज रिएक्टेंट ऑन द राइट एंड प्रोडक्ट्स ऑन द लेफ्ट। ओके, रेफरेंस के लिए हम इस केमिकल रिएक्शन को देखते हैं। Fe मतलब होता है आयरन, H2O मतलब वाटर। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमें मिलता है फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। ओके, तो मैंने क्या बोला कि इन दोनों को हम मिलाते हैं। तो जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसका एक लॉ होता है कि हमेशा हम जो भी दो चीज़ें मिल रही हैं, दो या तीन या चार जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं, जिनके मिलने से जिनके पास में आने से एक केमिकल रिएक्शन हो रही है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ओके, और ऐसी चीज़ों को हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ओके, रिएक्टेंट्स को हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं चाहे वो जितने भी हों। और जितने भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं भले वो एक है या दो है या तीन है या रिएक्टेंट से ज़्यादा है या उससे कम है, कैसे भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इट इज टेकिंग प्लेस, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, और उनको हम लिखते हैं कहाँ पर? राइट में। तो पहला वाला ही है जो कि नॉट ट्रू है। अब आगे देख लेते हैं, आगे चीज़ें मतलब हमें सही बता रही हैं तो हम उन्हें भी फॉलो कर लेते हैं। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो जहाँ भी एरो की तरफ का इशारा कर रहा होगा मतलब उसी डायरेक्शन में हमारी रिएक्शन जा रही है। तो मैंने भी क्या बोला था, रिएक्टेंट्स के मिलने से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ जा रही है रिएक्शन, तो मतलब कि हमारा एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करेगा और ये हमें क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर रिटन इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स। ओके, तो जो भी फिजिकल स्टेट यानी कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो भी हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, कि वो सॉलिड फॉर्म में है, गैस में है या लिक्विड में है, उनको हम कहते हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स। तो जो भी फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनको हम सिंबल्स के आगे लिखते हैं एक पैरेंथेसिस में, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर हम उनको मेंशन कर देते हैं। ये क्या है, हमारे सिंबल्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट या एक पर्टिकुलर कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉलोज द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब क्या है, रिएक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस्ड होना। बैलेंस होने का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक लॉ होता है जो कि हमने 8th में या 9th में पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, और हमेशा केमिकल रिएक्शन भी इसी रूल को फॉलो करता है। मतलब कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। ओके, इट कैन ओनली बी कंबाइंड और डिवाइडेड, इसको हम बना नहीं सकते और मिटा नहीं सकते। तो इसी तरह यहाँ हमने जितना भी रिएक्टेंट लिया होगा हमें उतना ही प्रोडक्ट मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स मास। अब देखिए मास के लिए हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हम रिएक्शन में नंबर देख लेते हैं। हमने देखा यहाँ पर 3 आयरन्स हैं रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, और प्रोडक्ट में हमको यहाँ पर भी 3 आयरन्स मिल रहे हैं। जो भी नंबर आगे लिखा होता है वो हम एलिमेंट के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा इसका मतलब यहाँ 1 है, 1 × 3 = 3। ओके, तो मतलब 3 आयरन्स रिएक्ट कर रहे हैं विद 4 पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ओके, या फिर मोल्स, 4 मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स क्या होता है ये आपको आगे क्लासेस में पता चलेगा, एक तरह से हम क्वांटिटी बताते हैं मोल्स से। ठीक है, अभी हम पार्टिकल बोल देते हैं कि 4 पार्टिकल्स ऑफ वाटर रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, अब इस पार्टिकल में क्या है, 8 हाइड्रोजन है। मैंने भी क्या बोला था, यहाँ जो भी नंबर होगा वो आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, इतने ही नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ये दोनों एलिमेंट्स हमें यहाँ पर मिलने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4, यहाँ पर भी 4 थे, और कितने हाइड्रोजन है, 8।
ओके तो हमको पता चल गया है एफ ई यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर भी 8 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर भी 4 है। इस तरह से हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है फुलफिल हो रहा है। तो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करेगी। ये 4 मेन लॉज होते हैं एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए। ओके हमेशा क्या, रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट, प्रोडक्ट्स ऑन द राइट, एरो हमेशा हमें रिएक्शन के डायरेक्शन बताता है, फिजिकल स्टेट्स को हम आगे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन होना बहुत जरूरी है बिकॉज इट फॉलोज द रूल ऑफ लॉ ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए अभी हमने पीछे बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी है, तो ये क्वेश्चन तो करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ पर भी 1 है, ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पर कितना है, 1, तो ये तो नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर एफ ई कितना है, 1, यहाँ पर एफ ई 3 है, तो यहीं से पता चल गया ये तो बैलेंस नहीं है। यहाँ पर बेरियम कितना है, 1, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, यहाँ क्लोराइड कितना है, 2, यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये भी इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। लास्ट पे आ जाते हैं, सॉरी, ये ऑप्शंस में 3 एंड 4। ओके तो लास्ट में क्या है, मिथेन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। इस तरह 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 2 ऑक्सीजन यहाँ है, टोटल 4 हो गए, और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कि ये इक्वेशन जो है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इसका आंसर हो गया लास्ट वाला। नेक्स्ट इज व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब ये हमारे पास कहाँ, अब हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे, कि किस किस तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। दो या दो से ज्यादा कंबाइन करने के लिए, कम से कम तो दो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके तो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस या केमिकल्स जब आपस में मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन से टाइप की रिएक्शन होती है वो? नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे, इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एक कार्बन एटम ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने स्टेट भी लिखी हुई है। ओके दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, और हमें क्या दे रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इन दोनों ने मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। सिमिलरली यहाँ पर दो हाइड्रोजन गैस की मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं एक ऑक्सीजन गैस की मॉलिक्यूल के साथ और बना रहे हैं, ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, इसको बैलेंस कर देते हैं, अब ये बैलेंस हो गई है। और हम क्या बना रहे हैं, वाटर। तो वाटर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, इनको मिला के हम 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वाटर बना सकते हैं। यहाँ पर भी दो मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट इज कंबाइनिंग विद वाटर इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि वाटर यूजली लिक्विड में ही होता है, ठीक है। जब कोई और जो कंपाउंड है वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो यूजुअली वो वाटर के अंदर डिजोल्व रहता है, इसलिए हम उसके आगे एक्वस लिखते हैं। लेकिन वाटर इन इट सेल्फ इज एक्वस, वाटर को ही एक्वा बोलते हैं, तो इसलिए हम इसके आगे एल लिख देते हैं, यानी कि लिक्विड। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पर हमने आगे एक्वस लिखा हुआ, यानी कि ये वाटर में एक सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब जो बाकी की रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। देखिए सबसे पहली जो रिएक्शन है वहां क्या है, दो सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स। ओके सिल्वर क्लोराइड ये एक ही कंपाउंड है, सॉलिड स्टेट में है, ये यूजुअली लाइट की प्रेजेंस में होता है। क्या होता है कि ये डीकम्पोज हो जाते हैं, यानी डिवाइड हो जाते हैं सिल्वर और क्लोरीन गैस में। अब यहाँ क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा चल रहा है। वहां पर दो या दो से ज्यादा मिलकर एक बनाते थे, यहाँ एक टूट कर दो बना रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट टूट कर दो या दो से ज्यादा चीजों में डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए एक लेड, इसको बोलते हैं लेड, लेड का सिंबल होता है पीबी, ये मिल रहा है
कॉपर क्लोराइड के साथ, यहाँ पर इनकी स्टेट्स लिखी हुई है, दिस इज इन सॉलिड स्टेट, दिस इज इन एक्वस स्टेट यानी कि लिक्विड स्टेट, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं, लेड क्लोराइड और कॉपर। यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया, क्लोराइड यहाँ से उठकर इसके पास चला गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक तरह से इसने, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ओके, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जब भी इस तरह के रिएक्शन आएंगे तो उन्हें हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जहां पर एक मेटल दूसरे मेटल के एनायन को जो है अपने पास ले लेता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट इज रिएक्टिंग विद बेरियम क्लोराइड, और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। ओके, एक ने अनायन अपने वाला दूसरे को दे दिया और दूसरे से ले लिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के जब रिएक्शंस होती हैं तो इनको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ क्या हो रहा है, दिस इज द कंबशन रिएक्शन, और जो हमने सबसे शुरू में एक इमेज देखी थी कोल के जलने वाली, ये वही वाली रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी फ्यूल या हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन, ये गैस फेज में होती है, इसी की जब आगे होमोलोगस सीरीज में हम थोड़ा और आगे जाके बड़े कार्बन चेन ले लेते हैं तो वो सॉलिड में आ जाते हैं। वुड जो होता है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन ही होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये रिएक्शन हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्या हो रहा है, मिथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ हीट, यानी कि जलाया जा रहा है। ठीक है, कंबशन मतलब जलाना, तो जब हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है, तीन चीजें जनरेट होती हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं जो निकल के बाहर भागता है, वाटर, ओके, ये भी बाहर भाग जाता है, एंड क्या मिलता है हमको, हीट। इसी की वजह से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज होता है। तो क्या है, एक चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, एंड दिस इज द इंडिकेटर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आई होप कि ये सारी के सारी रिएक्शन हमको समझ आ गई होंगी। डिकम्पोजिशन कौन सी होती है, जब एक कोई भी कंपाउंड है वो टूट रहा है दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स में, डिस्प्लेसमेंट में मतलब कि कोई एक मेटल ने दूसरे मेटल का एनायन वाला जो काउंटर पार्ट है वो अपने पास ले लिया। डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों मेटल्स ने अपने अपने एनायंस को इंटरचेंज कर लिया, दैट इज डबल डबल डिस्प्लेसमेंट। और जब हम किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन, और उसमें हमें हमेशा यही मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, यहाँ पर टर्म क्या है, एक्सोथर्मिक। अब इस टर्म को अगर हम तोड़ेंगे तो हमें यही से आंसर मिल जाए, एक्सो मतलब एग्जिट, निकलना, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का निकलना यानी कि हीट का निकलना। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आ रही है, ठीक है, हीट बाहर निकल रही है, तो जब हीट बाहर निकल रही है यानी कि रिएक्शन हुई और हीट जनरेट हुई, तो हीट कैसे जनरेट हो रही है, हीट इज जनरेटिंग, ओके, हीट कैसे बाहर आ रही है, एज अ प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर बढ़ता है तो उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन हीट इज रिलीज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये क्या रिएक्शन है, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लूकोज, ओके, एंड दिस इज ग्लूकोज की डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ग्लूकोज टूट रहा है इंटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, एनर्जी यानी कि हीट यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे हीट हमारी कहाँ है, इट्स इन प्रोडक्ट वाली साइड में। व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ओके, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार, पहले हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं, काम करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन, सॉरी यहां पर नहीं आएगा ये,
रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रही है। क्योंकि अब रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब भी इनको तीन टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तीनों को डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम देख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, जब भी कोई एक कंपाउंड है वो रिएक्टेंट में उसके पास ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में जाते जाते उसके पास से ऑक्सीजन चला गया, उसे हम बोलेंगे उसकी रिडक्शन होना। ऑक्सीजन के टर्म्स में जिस भी कंपाउंड में से या जिस भी रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन कम हो जाता है उसको हम कहते हैं उसका उस वो रिड्यूस हो रहा है। ओके, उसका रिडक्शन हो रहा है। इसका ऑपोजिट क्या होगा, जिस भी रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन आ रहा है, जिसके पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं था लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ गया, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, कॉपर ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन था, यहाँ आते आते ऑक्सीजन नहीं रहा, यानी कि इस पर्टिकुलर स्पीशी का रिडक्शन हुआ है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ आते आते इसके पास ऑक्सीजन आ गया, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर। सिमिलरली हम हाइड्रोजन ट्रांसफर, इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ओके, उसके पास शुरू में हाइड्रोजन था, ये किसी भी एक दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिला, रिएक्शन होने के बाद इसके पास से हाइड्रोजन दूसरे वाले रिएक्टेंट के पास चला गया। तो जब ये हाइड्रोजन लूज कर देता है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, जैसे यहाँ पर जब इसके पास से ऑक्सीजन जा रहा था तो उसकी रिडक्शन हो रही थी, जब इसके पास से हाइड्रोजन जा रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है, सॉरी, दूसरा वाला जो रिएक्टेंट है उसके पास पहले हाइड्रोजन नहीं था पर अब हाइड्रोजन आ गया है, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ओके, तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म्स में आ गई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है वो हम आगे जब थोड़े से इस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे तो हमें और अच्छे समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है कि एक रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो जहां से भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं जिस भी स्पीशीज के पास से, उसको बोलते हैं उसकी रिडक्शन होना, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्पीशी ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो जो भी रिएक्शन में एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उसको हम बोल रहे हैं स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली कोई भी स्पीशी जो गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन को, अब उस रिएक्शन से उस एक स्पीशी से कहीं जा रही है तो कहीं पर दूसरी के पास आ रही होगी, तो जो भी स्पीशी गेन करती है उसको हम बोलते हैं कि इसकी रिडक्शन हो रही है। यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ओके, तो अब देखिए रिएक्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज एंड प्रोडक्ट्स गेट्स रिड्यूस्ड। ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर? नहीं, रिएक्टेंट गेट्स रिड्यूस्ड एंड प्रोडक्ट्स गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ऐसा कुछ नहीं है। वन ऑफ द रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज एंड अदर गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, और ऑल द रिएक्टेंट्स आर ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड रैंडमली, ऐसा नहीं होता, रैंडमली कुछ भी नहीं होता रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में। ओके, तो क्या होता है, एक कोई भी रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है। ओके, ये जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हो रही थी,
और दूसरा वाला रिड्यूस होता है, तो ये क्या होते हैं, दोनों साथ में होते हैं साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट रिएक्शन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली लेबल्ड रिएक्शन। अब हमने जितनी भी टाइप के रिएक्शंस थे उनको एक बार देख लिया है, तो लेट्स सी कि हमें रिएक्शन समझ आए हैं या नहीं। सबसे पहले मैं देखिए क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट टूट कर क्या बना रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। अब क्या हो रहा है, एक कंपाउंड टूट रहा है तीन कंपाउंड्स में। इस ऐसे रिएक्शन हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यही लिखा हुआ है, तो ये हमारी सही हो गया, हमें इनकरेक्ट देखनी है। नेक्स्ट, अमोनिया गैस इज कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड गिविंग अमोनियम क्लोराइड। जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, यही लिखा है, ये भी सही है। नेक्स्ट, मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलके बना रही है मैंगनीज क्लोराइड, वाटर एंड क्लोरीन गैस। क्या रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? नो, दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ दो प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ, ऐसा नहीं है कि इसने बस इससे ले लिया यहाँ पर, ठीक है, इसके पास भी कुछ आया है, इसने भी इससे लिया है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट में नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक तीसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है। दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंगनीज ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जा रहा है हाइड्रोजन गैस के पास, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन और इसका भी ऑक्सीडेशन। दिस इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ओके, तो दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट, अब ये तो सही होगा बट स्टिल देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट एंड स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड मिलके क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड एंड स्ट्रॉन्शियम सल्फेट। दिस इज सिंपली अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शन का हमको यहाँ पे हिंट मिल गया है, भाई कैसे होती है, यहाँ पर यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है इसके पास, यहाँ से क्लोराइड जा रहा है इसके पास, लेकिन क्लोराइड का एक और फॉर्म भी हमको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कोरोजन एंड रैंसिडिटी। कोरोजन और रैंसिडिटी क्या होती है, कोरोजन मतलब मेटल्स का डिकम्पोज होना एक तरह से, ऑक्सीडेशन होना, एंड रैंसिडिटी मतलब कि फैट्स का ऑक्सीडाइज होना। ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमेशा चीज के एज या उसके एक्सपायरी या उसकी एक तरह से उसकी लाइफ को कम करने लग जाते हैं, जब भी कोई चीज की ऑक्सीडेशन होती है तो। ओके, ऐसी तरह हमारी हमारी बॉडी भी जो है, विद एजिंग हमारी बॉडी कैसे एज करती है, विद ऑक्सीडेशन। ओके, तो हमारी लाइफ जो है आगे चलते चलते जो है वो कम होती चल जाती है। इसी तरह से मेटल्स की भी ऑक्सीडेशन होती है, और रैंसिडिटी में क्या होता है, फैट्स की ऑक्सीडेशन, फैट्स की ऑक्सीडेशन। ओके, जो भी हमारे यूजुअली प्रोसेस्ड फूड में होता है, तो दोनों के दोनों आर कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। कोरोजन एंड रैंसिडिटी बोथ आर कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। बिल्कुल, ये देखिए इमेज, आयरन की रस्टिंग होना, यानी कि उसके ऊपर एक लेयर आ जाना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब ये होता किस वजह से, कोरोजन होता है एयर में मॉइस्चर की वजह से, जब हम देखते हैं ना, एक सेकेंड, या फिर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आसपास घूम रही है तो उससे ऑक्सीडेशन हो जाती है। जैसे कि कोई भी एक लोहे की सम कोई लोहे की चीज हम बहुत टाइम तक अगर बाहर रख दें ह्यूमिड टाइम पर, तो क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेशन या कोरोजन बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे कि साइकिल जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, उस पर जंग लगती जाती है, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है एयर में वो उसको कोरोड करने लग जाता है। ओके, नेक्स्ट, द ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर आइटम इज नॉट ड्यू टू कोरोजन। अभी हमें यहाँ पे नॉट ट्रू करना था, तो
तो ये जो है ब्लैक लेयर जो होती है सिल्वर के ऊपर, वो बिल्कुल कोरोजन की वजह से ही होती है, क्योंकि सिल्वर की क्या होने चल जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है। जो भी एयर में ऑक्सीजन होती है, मॉइस्चर होता है, उसकी वजह से जो सिल्वर है उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है, और वो ऑक्साइड की लेयर ही जो होती है वो ब्लैक कलर की दिखती है। रैंसिडिटी अफेक्ट्स द टेस्ट एंड ओडर ऑफ फूड। बिल्कुल, जैसे जैसे फूड ऑक्सीडाइज होगा, रैंसिड होगा, यानी कि वो एयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उसका टेस्ट और ओडर यानी कि उसकी स्मेल चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, और वो थोड़ी सी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। इससे हमें पता चलता है खाना अब खराब हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एंड दिस इज ऑल फॉर द चैप्टर, एंड आई होप दैट इट वाज यूजफुल, एंड यू कुड इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन दिस यूनिट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और सजेशंस और बोथ, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड ऑल्सो डू शेयर द वीडियो सो दैट इट कैन रीच दोज हु नीड इट। And if you're new to the channel and are looking for more such content, do subscribe. And since you are here, so check the other videos on this channel too. And I'm sure you'll get to learn a lot. So see you in the next video and happy revision.